Hello, Hello, ma'am. ma'am. I'm also fine. Okay. Today we are going to start a new chapter in every subject. That is chapter number 2. LBC. Okay, आज हम लोग प्रीवियस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नेम आपका है हेल्दी फूड मीन स्वस्थ दांत. चलिए बुक ओपन करिए, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? क्या सभी? यस यस मैम. अब सभी लोग अपना माइक देंगे, वीडियो तो लोग ऑन रखेंगे. ठीक है, सभी को रीडिंग करना है. वन बाय वन सबसे रीडिंग करवाएंगे हम. सभी का माइक जो ऑफ होना चाहिए, वीडियो सभी का ऑन होना चाहिए. ओके, हेल्दी थी. हेल्दी मींस क्या होता है बताइए मैं आकांक्षा. बेटा हेल्दी मींस क्या होता है? स्वस्थ. स्वस्थ. ओके, टीथ मींस दांत. 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 ओके, अच्छा आप लोग बताइए हमें कि हम दांतों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं. ऐसे ऐसा क्या वे है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसको अपना के हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं? आप सभी को पता होगा ना. आपने वन बाय वन ऐसा नहीं बोलना है, हम जिससे जिसका नेम लेंगे वो बताएगा. ठीक है, चलिए दिव्या आप बताइए. बेटा दिव्या हमारी कौन करिए. हमें अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? दिव्या ऑन द माइक. मैम हमें चॉकलेट, हम चॉकलेट नहीं खाएंगे तब हमारा दांत साफ रहेगा, और सुबह ब्रश करेंगे. दिन में तो बस कर चाहिए, रात को ब्रश करना चाहिए, सुबह भी. ठीक है, सोने के पहले या फिर सो के उठते हो फिर तब ब्रश करना चाहिए. दो बार सबको ब्रश करना चाहिए. और चलिए बेटा हम देखते हैं, यहाँ पे हेल्दी टीथ है यहाँ पे आपका चैप्टर. इसमें हाइलाइट्स मींस क्या क्या पढ़ना है हमें. चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है आपकी, पार्ट ऑफ अ टूथ. हम इस चैप्टर में टूथ के पार्ट के बारे में जानेंगे, दांतों के प्रकार के बारे में. ठीक है, हमारे जो दांत है कितने प्रकार के होते हैं. देन सेकेंड टॉपिक है टाइप ऑफ टीथ, सॉरी यहाँ पे पार्ट ऑफ टीथ मींस होगा दांत के भाग. पार्ट मींस भाग होता है ना, तो दांतों के भाग कितने होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ मींस दांतों के प्रकार. टाइप मींस प्रकार होगा, पार्ट मींस भाग होता है कि दांतों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, किससे कितने भाग किए गए हैं. और सेकंड टॉपिक है आपका टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं. देन कीपिंग टीथ हेल्दी, दांत को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं. माइक्रोब्स में जो रोगाणु होते हैं, माइक्रोब में रोगाणु होता है जो कि दांतों में लग जाते हैं. रोगाणु कभी कभी दांतों में सड़न होती है तो रोगाणु लग जाते हैं ना, तो इसके हम लोग पढ़ेंगे. टॉपिक आपका है पास प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ टी, कीपिंग टीथ हेल्दी, देन माइक्रोब. ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 2 में हेल्दी टीथ. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पढ़िए बेटा. अनन्या बी स्माइल. वी स्माइल व्हेन वी आर हैप्पी एंड इफ योर टीथ आर व्हाइट एंड शाइनी वी हैव समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट. द टीथ आर एक्सटर्नली पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट परफॉर्म मेनी फंक्शंस. इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर टीथ हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स. ओके बेटा, क्या सभी को आवाज जा रही है मेरी? यस मैम. सभी देखते हैं, बी स्माइल, हम मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं. व्हेन वी आर हैप्पी, हम कब मुस्कुराते हैं बेटा? आकांक्षा हम हैप्पी, हम मुस्कुराते कब हैं? आकांक्षा बताइए बेटा, आप कब मुस्कुराती हो? हमेशा मुस्कुराती रहती हो? बोली भाई कौन करिए. हम कब मुस्कुराते हैं? वी स्माइल व्हेन वी आर हैप्पी. हम मुस्कुराते हैं जबकि हम खुश होते हैं. ठीक है, जब हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं तब हम मुस्कुराते हैं. वैसे नहीं मुस्कुराते हैं, जब खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं तब हम मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं.
एंड इफ आवर टीथ, अगर हम जब मुस्कुराते हैं स्माइल करते हैं, हमारा दांत जो है, इफ आवर टीथ हमारा दांत जो है आर व्हाइट एंड शाइनी, व्हाइट रहेगा सफेद और शाइनी में चमकदार रहेगा, तो क्या होगा, वी हैव समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, तो हम हमारे पास हंसने के लिए खुश होने के लिए सब कुछ रहेगा, ठीक है। अगर हम हैप्पी हैं स्माइल कर रहे हैं, अगर हम स्माइल करते समय हमारे दांतें दिखती है ना, सभी के दांत दिखते हैं स्माइल करते समय, अगर आपके दांत जो है व्हाइट रहेगी एंड शाइनी मीन चमकदार रहेगी, तो आप और भी खुश हो जाते हो ना, क्यों बेटा? यस मैम। अगर दांत गंदे हैं स्माइल शाइनी नहीं कर रहे हैं और दांतों से गंध आता है तो हम कम बोलते हैं ना, जल्दी हंसते भी नहीं है कि हंसेंगे तो सभी को मेरे दांत दिखेगी, दांत हमारे गंदे हैं पीले दिख रहे हैं, सब मजाक बनाएंगे ना। यस मैम। व्हाइट रहेंगे चमकदार रहेंगे तब हम खुल के हंस सकते हैं। बेटा ऐसा माइक ऑन कर, वीडियो ऑन करिए, ऋषभ तिवारी आवाज जा रही है आपको। नेटवर्क नहीं मिला आपके यहाँ पे, शायद आपका वीडियो इसलिए ऑफ है। तो जब हमारी दांत दांत जो है साफ सुथरा रहेगा चमकदार रहेगा तो हम खुल के हंस पाएंगे। ओके अंकुर आवाज जा रही है ना। यस। ओके आगे देखते हैं। द टीथ आर एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ जो दांत होती है हमारी आर एन एक्सटर्नल पार्ट, ये कौन सा पार्ट होता है हमारे बॉडी का? एक्सटर्नल पार्ट, इस बाहरी पार्ट, हमें बाहर से दिखता है दांत ना, माउथ ओपन करने बाहर से दिखता है दांत, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं, ना कि इंटरनल। इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल पार्ट होता है आपका टीथ जो है, दांत जो है एक्सटर्नल मीन बाहरी अंग है। दैट परफॉर्म मेनी फंक्शन, जो कि कई प्रकार के कार्य का प्रदर्शन करता है। परफॉर्म मीन प्रदर्शन करना होता है, मेनी मीन कई सारे, फंक्शन मीन कार्य। तो दांत हमारे हैं वह एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, बाहरी अंग है जो कि कई प्रकार का फंक्शन कर प्रदर्शित करता, मीन कई प्रकार के काम करता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर टीथ हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम जंग, इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है क्या करना, दांत को स्वस्थ रखना एंड फ्री फ्रॉम जंग, और जंग से आजाद रखना दांतों को, ठीक है। दांतों को स्वस्थ रखना और फ्री फ्रॉम जंग मीन्स जंग से आजाद रखना, जो कीड़े लग जाते हैं जंग लग जाते हैं जंग्स लगते हैं ना दांतों में, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण होता है कि दांतों को हम स्वस्थ रखें और जंग से दांतों को दूर रखें, जो कीड़े मकोड़े लगते हैं दांतों में उससे उसको हम बचा के रखें। जंप स्टार्ट मीन्स यहाँ पे चैप्टर पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको पहले आपको सॉल्व करना है फिर हम आगे पढ़ेंगे। फिर ना ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स है खाली जगह है, इसको आपको फिल करना है पढ़ने के बाद। हेल्प अस टू एंड, यहाँ पे टीथ लिखा हुआ है बीच में, मतलब सभी में टीथ आएगा आगे। टीथ हेल्प अस टू एंड फूड, बताइए टीथ जो है मन क्यू एंड ईट, क्यू एंड मन क्यू और बाइट करने के लिए, क्यू एंड बाइट मीन्स भोजन को चबाने के लिए और काटने के लिए, ठीक है। च्यू में चबाना होता है, बाइट मीन्स काटना, भोजन को चबाने के लिए और काटने के लिए दांत हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम भोजन खाते हैं तो दांत में दांत को कट करते हैं ना कि वैसे निकल जाते हैं। आकांक्षा भोजन खाते हैं तो उसको हम निकल जाते हैं कि दांत से कट करते हैं मैम? कट करते हैं, कट करते हैं ना। खुशी आप बताइए बेटा। यस मैम, कट करते हैं दांतों से, कट करते हैं उससे स्मॉल स्मॉल टुकड़े करते हैं भोजन के, फिर वो अंदर जाता है हमारी। ओके तो यहाँ पे हम फिल करेंगे, हेल्प टीथ हेल्प अस टू च्यू एंड बाइट फूड। च्यू की स्पेलिंग क्या होती है? MCHEW मीन्स चबाना, बाइट बाइट मीन्स काटना। ओके टीथ हेल्प अस टू च्यू एंड बाइट फूड, दांत हमारी सहायता करते हैं भोजन को चबाने और काटने में। मस्ट टीथ मस्ट बी केप्ट क्लीन बाय, हम टीथ को अवश्य क्लीन रख सकते हैं किसके द्वारा?
ब्रशिंग करके, ब्रश करके हम दांतों को क्लीन रख सकते हैं। ब्रशिंग नोट करिए। हेल्प अस टू सॉन्ग एंड सिंग, सिंग गाना गाने में दांत हमारी मदद करते हैं। दांत ना हो तो क्या हम गाना गा पाएंगे बेटा? नो मैम, नहीं गा पाएंगे ना मैम। तब ना करिए कि आपके पास दांत नहीं हो, आपको गाना गाना, गाना कैसे गाओगे फिर? क्या गाना गा पाओगे बेटा आकांक्षा? नो मैम, नहीं गा पाओगे। अभी यहाँ पे गाना है, कुछ लाइन है उसको गा के बोलना है बिना दांत की हेल्प से। अभी देखना कौन सी लाइन यहाँ पे। आर एंड टीथ आर एंड बॉडी पार्ट, टीथ जो है बॉडी पार्ट का कैसा भाग होता है मैम? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की स्पेलिंग क्या होती है E-X-T-E-R-N-A-L, एक्सटर्नल। जो हमारे टीथ होता है, हमारे दांत जो होते हैं, हमारे बॉडी के बाहरी अंग हैं। चलिए इसको कंप्लीट करें सभी लोग। सलोनी अपने फाइनल ऑन करिए बेटा, ठीक है? सही रेस्ट कर दे, सबने कंप्लीट कर लिया है? यस मैम, यस मैम। पास बुक नहीं है, नोटबुक में राइट करके लर्न करेंगे, ठीक है? इन दांतों का वर्क क्या होता है, ये सभी दांतों के वर्क है, फंक्शन है। हेल्प टीथ हेल्प अस टू च्यू एंड बाइट फूड, टीथ मस्ट बी केप क्लीन बाय ब्रशिंग, teeth help us sing song, teeth are an external body part. Now tick what you already know. यहाँ पे आपको टिक करना जो कि आप पहले से जानते हो, ऑलरेडी मीन्स पहले से होता है, तो आप पहले से क्या जानते हो उसको आपको टिक करना है। सचिन आई सिवा वीडियो ऑन करिए बेटा। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? आइडेंटिफाई टीथ एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, आइडेंटिफाई पहचान कर सकता हूँ दांतों की एज इंटरनल बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के रूप में दांत को पहचान सकते हो ना? आप सभी को पता है कि टीथ है वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है, मीन शरीर का बाहरी अंग है, जैसे कि आपकी आंखें हैं, आपके ईयर हैं, आपके नोज हैं, बाहरी अंग होते हैं ना बॉडी के। यस मैम, वैसे yes, ही टीथ है वो भी शरीर के बाहरी अंग होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। इंटरनल पार्ट कौन कौन से होते हैं दिव्या बताइए बेटा? मैम इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे बॉडी के? चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से पढ़ाया गया आप लोगों को, अभी क्लास ही नहीं लिया है तो आपको समझ में कैसे आएगा? चलिए बताइए आराध्या, एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से होते हैं, इंटरनल पार्ट? मैम हार्ट, लंग, मैम किडनी, ब्रेन, यस मैम, इंटेस्टाइन, मैम। ओके यस, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ टीथ, क्या आप दांतों के यूज को पहचान सकते हैं, किसका यूज क्या होता है? यस मैम, बताइए मैं दांतों का यूज क्या है, आकांक्षा बताएंगी। ऑन द माइक आकांक्षा, यूज ऑफ टीथ, टीथ का यूज क्या होता है? अभी करवाए हैं, इससे पहले तुरंत ही भी करवाया गया है। बोलिए जल्दी से। हाँ जी बोलिए बेटा, आदेश, आदेश आप बताइए, आदेश, यूजेज ऑफ टीथ। मैम अनन्या आप बताओ। मैम टीथ हेल्प अस च्यू एंड बाइट द फूड, भोजन को चबाने और काटने में दांत हमारी मदद करते हैं। मैम हम टीथ की मदद से सॉन्ग भी सिंग कर सकते हैं, सॉन्ग भी सिंग करते हैं हम, टीथ की मदद से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वी कैन टॉक विथ यूज ऑफ टीथ। चलिए
identify the importance of brushing to keep our teeth clean. Identify the importance. जो महत्व होती है ब्रशिंग की, ब्रश करने का महत्व क्या होता है जिससे कि हम दांतों को अपने क्लीन रख सके. पता है कि महत्व क्या होता है दांत ब्रश करने का? महत्व ये होता है कि दांत में ब्रश, अगर हम ब्रश करेंगे डेली तो हमारे टीथ जो है जंग से बचे रहेंगे, साफ दिखे, क्लीन दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे. क्लीन नहीं दिख रहा है मेरा नेटवर्क, नहीं है आपके यहाँ पे, आपका वीडियो में ऑफ दिख रहा है. आप जहाँ पढ़ने बैठती हो वहां पे नेटवर्क रहता ही नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखता है वो. अब देखिए आज की टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ आवर टीथ, सॉरी पार्ट्स ऑफ आवर टूथ. दांत का प्रकार क्या क्या है? नहीं प्रकार नहीं होगा आपका, ये भाग होगा. पार्ट्स ऑफ टूथ में दांत के भाग, कितने भाग में डिवाइड किए गए हैं आपके जो दांत है, ये कितने भाग में डिवाइड किए गए हैं, कितने पार्ट किए गए हैं. पार्ट्स एंड टाइप में डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है. पार्ट मीन्स भाग होता है, कितने भाग में पार्टा गया है, और टाइप मीन्स प्रकार होता है, कितने प्रकार के होते हैं. ओके भूलना मत, डिफरेंस दोनों में होता है. पार्ट मीन्स भाग होता है एंड टाइप मीन्स प्रकार होता है, कितने प्रकार के हैं, और पार्ट मीन्स भाग, कितने भाग किए गए हैं. ट्राई सेइंग दिस टंग ट्विस्टर विदाउट लेटिंग योर टंग टच योर टीथ. यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको आपको कहने की कोशिश करना है विदाउट, अपने बिना, विदाउट लेटिंग योर टंग टच, बिना टीथ को, बिना दांत से टच कराए हुए इस वर्ड को कहने की कोशिश आपको करनी है. आपको अपने टंग को टीथ से टच नहीं करवाना है. कहीं यहाँ पे कहना है 33,000 थीफ्स विदाउट टीथ, 33,000 थीफ विदाउट टीथ. ठीक है, सब लोग बोलिए इसको. आपको अपने टंग को टीथ से टच नहीं करवाना है और बोलना है. चलिए बोलिए बेटा, कौन बोलेगा? 33,000 थीफ्स विदाउट टीथ. हम बोल ही नहीं पाते. कोशिश तो करिए बोलने की. चलिए कोशिश करें नन्हे, आप तो बोलिए बेटा इसको. चलिए आप सभी को इसको पढ़, हाँ बोलिए सलोनी. चलिए 33,000 थीस आप सही से बोल रही हो. इसको आपको जो आपका टीथ टंग है उसको टीथ से टच नहीं करवाना है. मिस आपको अपना टंग उठाना ही नहीं है, उठाओगे तो टीथ से टच करेगा, तो आपको टंग नहीं उठाना, वैसे बोलना है. जैसे आप टीथ को ऊपर उठाओगे तो दांतों से टच करेगा, तो आपको टीथ उठाना ही नहीं है. अब बोल के उठाना है इसको, कैसे बोलेंगे इसको? हाँ बोलिए. चलिए अभिनय, क्या और सही से बोल रहे हो, आप भी टच कर रहे हो टीथ को. चलिए आप बोलिए बेटा आदेश, आप कोशिश करिए बोलने की. 33,000 थीफ्स विदाउट टीथ, इसी को आपको बोलना है, बिना टंग को टीथ से टच करवाए. चलिए आप लोग एक बार कोशिश करना बोलने की, ठीक है? हाँ चलो बोलो ना सब. 33,000 teeth without teeth. क्लियर बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना क्या बोल रहे हैं ये? यस मैम. बिना टंग को दांतों से टच कराओगे बोलोगे तो इसमें कुछ डिफरेंस होगा, ये पूरा क्लियर नहीं बोल पाओगे. चलिए आपको कोशिश करना बोलना, ठीक है? आज इजी और डिफिकल्ट, क्या बोलना कठिन है या इजी है? हाँ दिव्या बोलो. डिफिकल्ट, डिफिकल्ट से बोलना ना. यस मैम. ओके अब डिस्कस फोर थिंग्स दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ योर टीथ. आपको फोर थिंग्स बताने हैं जिसको आपने हेल्प, दांतों की हेल्प से करते हो. ऐसे क्या फोर चीजें हैं जिसे आपने दांतों की हेल्प से करते हो, जी बताइए. मैम, ओ मैम,
We can sing the song with the help of teeth. We can chew and bite the food with the help of teeth. We can speak with the help of teeth. हम teeth की help से बोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, गाना गा सकते हैं. Sing. Yes, ma'am. Okay. चलिए पढ़िए बेटा इसको, क्या राइट है यहाँ पे, यहाँ पे पैराग्राफ पढ़िए. दिव्या रीड करिए. Teeth are present inside our mouth. They go from jaw bones, which are covered by gums. Every person have two set of teeth during his or her lifetime. चलिए यहाँ पे देखते हैं. Teeth are present inside our mouth. Teeth जो कहाँ पे उपस्थित रहते हैं, inside our mouth. हमारे mouth, हमारे मुंह के अंदर रहते हैं teeth. के बाहर रहते हैं बेटा? मैम अंदर रहते हैं. अगर बाहर रहे तो क्या होगा? अगर बाहर रहे तो क्या होगा? मैम हम बोल नहीं पाएंगे. बोल नहीं पाएंगे, देखने में अच्छे भी नहीं लगेंगे ना अगर दांत बाहर रहेंगे तो. यस मैम. ओके, तो दांत टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ. जो टीथ है, दांत होते हैं हमारे माउथ के अंदर उपस्थित होते हैं. सचिन एंड शिवा बेटा वीडियो ऑन करिए. दे ग्रो फ्रॉम आवर जाबोन. ये कहाँ पे बड़े होते हैं, इनका विकास कहाँ पर होता है? फ्रॉम आवर जाबोन, जो जाबोन होता है मीन्स जबड़े की जो हड्डी होती है अंदर. नेम सुना होगा जबड़े का ना, जा का. जा बोन जो होती है वही पे इसका विकास होता है अंदर की तरफ. विच आर कवर्ड बाय गम. गम मीन्स मसूड़ा होता है. गम मीन्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए आपके पीठ के ऊपर गम दिखता है ना, जहाँ पे पीठ जो है ज्वाइंट रहते हैं. यस मैम. रेड कलर मसूड़ा होती है, गम बोलते हैं. मीन्स मसूड़ा होता है ऐसे ही. ये सब आपका गम जहाँ पे ज्वाइंट रहते हैं. Every person has two set of teeth during his or her lifetime. सभी व्यक्ति के पास अपने उसके जीवन में दो बार दांत उठते हैं. ठीक है, समझा सभी को ना? Yes, ma'am. Milk teeth are first set of teeth that we get. पहले जो हम जो हमारे दांत पहले जो उगते हैं, उस दांत जो है किसका होता है? मिल्क का दांत होता है जो पहले उगता है जबकि हम छोटे रहते हैं. ओके, अच्छी आवाज जा रही है? तो जिस दांत का विकास पहले होता है, मिल्क टीथ आर द फर्स्ट सेट, पहला सेट होता है दांतों का दैट वी गेट, जो हम पाते हैं. मिल्क टीथ होता है मीन दूध का दांत, उसको बोलते हैं हम. दे आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ. इसे हम टेम्परेरी टीथ बोलते मीन्स क्या होता है? अस्थाई. ठीक है. यस मैम. ओके, तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, अस्थाई टीथ होते हैं, एंड दे बिगिन टू फॉल आउट व्हेन वी आर 5 or 6 years old. जब हम 5 or 6 years के होते हैं तब वो गिरना शुरू करते हैं. जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो टेम्परेरी अस्थाई दांत होते हैं. जब हम 5 or 6 years के हो जाते हैं तो वो अपने आप ही गिरना शुरू कर देते हैं. ओके, यस मैम. आप सभी का दांत yes, होगा ना, आप 6 years के नहीं होंगे, 5 years. अभी भी कई लोगों का गिरता है. क्यों? तो जब हम 5 or 6 years के होते हैं तो उस समय जो है हमारा जो टेम्परेरी टीथ होता है, इसे मिल्क टीथ बोलते हैं. मिल्क टीथ को टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है, इतना याद रखना. ठीक है, जो दूध की दांत होते हैं इसको हम टेम्परेरी अस्थाई दांत भी बोलते हैं. जो अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है टेम्परेरी. ठीक है, ओके. तो जो हम 5 or 6 years के होते हैं तो ये गिरना शुरू करते हैं. वी यूजली गेट आवर फर्स्ट मिल्क टीथ व्हेन वी आर अबाउट 6 months. जब हम 6 months के हो जाते, We usually get our first teeth. हम जो है अपना first teeth कब पाते हैं? When we are about 6 months. जब हम 6 months के हो जाते हैं, मीन्स 6 महीने के आप हो जाते हो, तो आपके दांत निकलने शुरू करते हैं ना. क्यों अनन्या? Yes, ma'am.
तुम्हारे जो मिल्क टीथ होता है कब निकलता है, वो जो हम 6 मंथ के होते हैं, 6 महीने के होते हैं तब वो निकलता है, और गिरना कब शुरू करता है, जबकि हम 6 ईयर के हो जाते हैं, 6 साल के हो जाते हैं तो गिरना शुरू करता है, 6 मंथ के रहते हैं तो निकलता है, और जो 6 ईयर के हो जाते हैं तो गिरना शुरू करता है, जो मिल्क टीथ टेम्परेरी टीथ होता है। खुशी समझ में आ रहा है ना आपको? ओके यहाँ पे देखिए राइट है, असेट ऑफ टेम्परेरी टीथ, ये टेम्परेरी टीथ का एक सेट है, एक जोड़ा है, हम 6 मंथ के होते हैं तो ये उगना शुरू करते हैं, जब हम 6 ईयर के हो जाते हैं तो गिरना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे पढ़िए ऋषभ। The crown looks white and shiny because of the annual. Stop बेटा, यहाँ पे एक पेज मिस है। ओके कहाँ से पढ़ रहे थे? बाय द डायन टाइम, यहाँ पे पढ़िए। बाय द टाइम वी आर 2.5 or 3 years old, we have around 20 milk teeth. When we are about 30 years old, we lose all our milk teeth and get a new set of teeth called permanent teeth. Okay. By the time we are 2.5 of our 3 years old, जैसे टाइम बीतते जाता है, बी आर 2.5 or 3 ईयर, जब 2 या 3 ईयर के हो जाते हैं, वी हैव अराउंड 20 मिल्क टीथ, हमारे पास लगभग कितने टीथ हो जाते हैं दूध मिल्क के, 20 टीथ हो जाते हैं, जबकि हम कितने ईयर के हो जाते हैं, 3 ईयर के हो जाते हैं, 2 से लेके 3 ईयर तक जब हम होते हैं तो लगभग हमारे पास मिल्क के 20 टीथ जो है हो जाते हैं, ठीक है, निकल आते हैं। वेन बी आर अबाउट 13 ईयर, जब हम 13 ईयर के होते हैं, 13 साल के हो जाते हैं, We lost all our milk teeth. तो हम अपने मिल्क टीथ को, सभी जितने भी मिल्क टीथ है उसको खो देते हैं, सारे गिर जाते हैं, जब हम 13 ईयर के हो जाते हैं, 13 साल के हो जाते हैं, तो हमारे जो मिल्क टीथ है, दूध के दांत है, पूरी तरह से गिर जाते हैं। ओके सबको आया समझ में? Yes, ma'am. जब हम 3 ईयर के हो जाते हैं तो लगभग कितने 20 मिल्क टीथ हो जाते हैं हमारे माउथ में, उसके बाद से गिरना शुरू कब करते हैं, जब 6 ईयर के होते हैं तो गिरना शुरू करते हैं, और 13 ईयर तक होते होते सारे गिर जाते हैं, 6 ईयर से स्टार्ट होते हैं गिरना, और 13 ईयर तक होते होते सभी मिल्क के टीथ गिर जाते हैं। सबको आया समझ में? यस मैम। ओके उसके बाद से क्या होता है देखें, एंड गेट अ न्यू सेट ऑफ टीथ, और हमें नया जोड़ा दांत का मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काल परमानेंट टीथ, उसको हम अस्थाई दांत बोलते हैं, मीन्स परमानेंट टीथ। ओके जब 13 ईयर के हो जाते हैं, तुम्हारे दूध के जितने भी दांत होते हैं सब गिर जाते हैं, उसके प्लेस पे नया सेट आपका टीथ निकलता है, उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, मीन्स अस्थाई दांत बोलते हैं। द परमानेंट टीथ रिमेन थ्रू आउट अवर लाइफ, जो परमानेंट टीथ होते हैं कब तक रहते हैं, जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक रहते हैं, ठीक है, जो आपका परमानेंट टीथ होता है, जब तक हमारी लाइफ रहती है वो तब तक रहते हैं। आ मिल्क टूथ फॉल्स आउट बिकॉज इट इज पुश्ड बाय अ परमानेंट टीथ ग्रोइंग बिलो इट, जो मिल्क टूथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो गिरना क्यों शुरू करते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज पुश्ड, वो ढकेल दिए जाते हैं बाय अ परमानेंट टूथ, किसके द्वारा, जो परमानेंट टूथ होता है, जो अस्थाई दांत होती है उनके द्वारा, जो आपके दूध के दांत में जो अस्थाई दांत होते हैं उनको ढकेल दिया जाता है, ठीक है, सबको आया समझ में? जो है आपके परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं, जब वो निकलने लगते हैं तो आपके जो मिल्क के टूथ है वो अपने आप ही गिर जाते हैं, नीचे से वो निकलते हैं, ऊपर का जो आपका टीथ रहता है फिर वो अपने आप ही गिर जाता है, मिल्क जो टूथ होता है, इट इज पुश्ड बाय अ परमानेंट टूथ, और जो है आपके मिल्क के टूथ है परमानेंट टूथ के द्वारा ढकेल दिए जाते हैं, ग्रोइंग बिलो, जो कि नीचे जिसका विकास होना शुरू होता है जो टूथ का, उसको हम परमानेंट टूथ बोलते हैं, जब वो निकलना शुरू करते हैं तो आपके दूध मिल्क टूथ होते हैं अपने आप ही गिरने लगते हैं। सबको समझ में आ गया इतना? यस मैम।
ओके चलिए आगे पढ़िए बेटा. At the age of 13, we have 28 permanent teeth. Stop, Bishop. चलिए आप पढ़िए सोनाक्षी. बेटा रीड करिए. At the age of 13, we have 28 permanent teeth. At the age of 13, जो हम 13 ईयर के हो जाते हैं, 13 साल के हो जाते हैं, we have 28 permanent. तुम्हारे पास लगभग कितने दांत हो जाते हैं परमानेंट? 28 परमानेंट टीथ हो जाते हैं. कब? जब 13 ईयर के हो जाते हैं. अभी आप 13 ईयर के हो जाओगे तो आपके पास जो है 28 टीथ हो जाएंगे परमानेंट टीथ, जो कभी नहीं टूटेंगे, अस्थाई दांत जिसको बोलते हैं. ठीक है. बाय द टाइम वी आर बिटवीन द एज ऑफ 39-25, जब हम 39-25 एज के बीच में होते हैं, 17 and 25 एज के बीच में मेरी हमारी जो एज होगी, मोस्ट ऑफ अस ग्रो फॉर मोर टीथ. तो हम सभी अधिक लोग ऐसे हैं जिनके जो है 4 टीथ और ही निकल आते हैं, चार दांत का विकास और हो जाता है. कब? जब हम 17 and 25 एज के बीच में होते हैं. ओके जिसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज विजडम टीथ. जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, मिस अक्रदार होता है वो विजडम टीथ. कब निकलता है? जब आप 17 and 25 एज के बीच में होगे, 18 से लेके 25 एज के बीच में जाप रहोगे, उसमें आपको जो दांत 4 दांत निकलेंगे बिल्कुल कोने पे निकलते हैं, जाके बिल्कुल किनारे, 4 ऊपर 4 नीचे. ओके सॉरी 2 ऊपर 2 नीचे मिला के 4 होते हैं. 2 इस साइड में ऊपर नीचे मिला के, 2 इस साइड में ऊपर नीचे मिला के निकलते हैं बिल्कुल लास्ट में. जो हमारा पंक्ति है दांतों का, बिल्कुल जो लास्ट में है वहां पे निकलते हैं. ओके उसी को हम बोलते हैं टीथ कहा जाता है, मीन्स अक्लदार होता है, विजडम टीथ. सबको आया समझ में? यस मैम. आपके घर में जो भी 17-25 ईयर के बीच में होंगे या उससे ऊपर होंगे, उनके पास होगा एक टीथ. ठीक है, विजडम टीथ उनको निकला होगा. वन विजडम टूथ ग्रो एट द एंड ऑफ ईच चा. जो एक विजडम टीथ होता है उस कहां पे निकलता है? ईच एंड ऑफ ईच जा, प्रत्येक जा के लास्ट में. जो आपका जा है जबड़ा, आप माउथ ओपन करते हो ये आपका जा होता है, बिल्कुल लास्ट में निकलता है दोनों साइड में. ठीक है. दे कंप्लीट आवर परमानेंट सेट ऑफ 22 एडल्ट टीथ. ये जो है कंप्लीट करते हैं जो हमारे 22 टीथ का जो सेट होता है उसको कंप्लीट करते हैं. 16 ईच इन अपर एंड लोअर जा. 16 टीथ जो है ऊपर के जा में होते हैं, ये ऊपर का जा होता है और ये नीचे का जा होता है लोअर जा. 16 यहाँ पे होते हैं. टोटल कितने टीथ होते हैं एडल्ट होने पर? 32 टीथ परमानेंट. 32 जो परमानेंट टीथ होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होते हैं. और जो आपका मिल्क टूथ है वो 20 ही होता है, इतने याद रखना. ठीक है. जो आपके मिल्क के टूथ होते हैं, दूध के दांत, वहां पे वो 20 ही होते हैं. लेकिन जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं. 16 जो है नीचे की जाबे में होते हैं और 16 जो है अपर जाबे में होते हैं. सभी को दिख रहा है ना? आकांक्षा? यस मैम. तो आप सभी को जितना बताया गया समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम. ओके बेटा, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने टीथ के बारे में जाना, कितने टीथ होते हैं, उसके एक परमानेंट होता है, एक आपका होता है. टेम्परेरी बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, और एक आपका होता परमानेंट टीथ. नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में, इसके जो भाग होते हैं, कितने भाग किए गए हैं दांतों के. ठीक है. ओके जितना पढ़ाया गया आप लोग उसको एक बार रीड करना. ठीक है. ओके बेटा. Goodbye, man. Goodbye.